क्षेत्र के रहवासी आज यहाँ ज्ञापन देने आए थे। वरिष्ठ एडवोकेट और सीनियर सिटीजन हमारे ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी के नेतृत्व में, और उन लोगों की ये मांग थी कि कलाली को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और वास्तव में हम लोगों ने भी काफ़ी समय से हम उसको देख रहे हैं कि पास में स्कूल है, मंदिर है और अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों का मोहल्ला है। वो वहाँ पे कलाली का होना एक बहुत बड़ा शहर के लिए न्यूसेंस है, क्योंकि हमेशा लोग शराब पी के निकलते हैं और वहीं किसी भी प्रकार की हरकतें करते हैं, तो उन आम लोगों के लिए भी काफ़ी परेशानी का विषय है। हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल, कैंटोनमेंट बोर्ड की बिल्डिंग है वो, और उसके अंदर राज्य शासन की स्कूल, प्राइमरी स्कूल चलती है, जिसमें काफ़ी गरीब बच्चे पढ़ते हैं। किंतु पिछले कई दिनों से हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ कलाली के होने के कारण बच्चों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उस कारण से छावनी परिषद ने भी 1995 में एक प्रस्ताव पास किया था और शासन से मांग की थी छावनी बोर्ड ने कि इसको नया लाइसेंस जब भी दिया जाए तो कलाली को शिफ्ट करने के बाद ही इसका लाइसेंस रिलीज किया जाए। किंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब मोहल्ले के लोगों में वापस जागरूकता आई है, काफ़ी तकलीफें बढ़ी हैं, इस कारण से फिर एक ज्ञापन दिया है ये ज्ञान प्रकाश जी उपाध्याय शिव शर्मा जी परीक्षित। केंद्र बोर्ड से प्रस्ताव पास हो चुका है तो उसके बावजूद बंद भी हो रही है ये, क्योंकि ये संचालन होता है कलालियों का और इसका लाइसेंस दिए जाते हैं कलेक्टर के द्वारा, और कलेक्टर ने हमारे बोर्ड के प्रस्ताव के ऊपर मैं समझता हूँ कि काफ़ी गौर नहीं किया है, उस कारण से वापस उसी स्थान पर दे दिया है। दो कलालियों को हटाने का प्रस्ताव हमने लिया था इस साल 1995 में, एक छोटी कलाली और एक भोई मोहल्ले की कलाली की, तो दोनों को वापस वहीं ये लोग संचालित कर रहे हैं। अब हमने मांग की है फिर से कि इनको शिफ्ट किया जाए, फिर से हम बोर्ड में भी प्रस्ताव लाएंगे, और उसके बाद भी यदि नहीं हटाई गई केंट बोर्ड इसको डायरेक्ट सील या वो नहीं कर सकता कि जब उनने प्रस्ताव पास कर रखा है और इसको बंद करने के वो कर रखा है। कैंटोनमेंट के प्रावधान में है, उसको हम लोग देख रहे हैं, और उस संबंध में छावनी अधिशासी अधिकारी से भी बात हुई है, और बहुत जल्दी उसको जो भी होगा कानूनी प्रावधान में, यदि कैंटोनमेंट के अधिकार में हुआ निश्चित रूप से उसको बहुत जल्दी हम लोग सील करा देंगे। और उसके बाद भी यदि कोई प्रशासनिक मदद हमें नहीं मिली पब्लिक जनता के हित में, तो इसको आंदोलन का रूप भी देंगे, और आंदोलन किसी भी स्तर तक होगा तो हम लोग करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, रैलियाँ भी निकालेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, और जो भी रूप स्वरूप हो सकता है उस रूप में हम लोग आंदोलन करके, बाकी इस कलाली को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है और हम हटा के ही रहेंगे।